हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं आप लोगों को सैनिक स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बहुत सारे लोग मेरे पास यूट्यूब पे इतनी क्वेरी आती है भैया, सभी यही पूछते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के बारे में, RIMC के बारे में, नवोदय गुरुकुल्स के बारे में। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, उनको ये लगता है कि मिलिट्री स्कूल जो है और जो आपका ये RIMC देहरादून है वो सेम है। और आपको ये समझना होगा कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो अलग है और जो आपका RIMC देहरादून है वो अलग है। जो आपका RIMC देहरादून है वो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और उसकी ऑल ओवर इंडिया में जो सीट्स हैं वो आपको पता नहीं होगा, शायद वो सिर्फ और सिर्फ हर स्टेट की एक ही सीट है। जैसे जो कुछ बड़े स्टेट्स हैं, लाइक आपका जो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसमें हर स्टेट में दो दो सीट्स हैं। अदरवाइज जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ पे हर स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। और जो ये RIMC देहरादून है, इसका फुल फॉर्म मैं बता दूँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही स्कूल है। तो इसका जो खर्चा होता है, मान के चलो बहुत ही ना के बराबर होता है, और इसमें जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आपको इस लेवल की तैयारी करवानी है तो आप ये मान के चलो कि बच्चे को कम से कम 2 साल की प्लानिंग करके चलोगे, आपको तभी फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अब इसका जो पेपर होता है, जब बच्चा आपका जो है वो 7th क्लास में होता है, ध्यान से समझिएगा, जब आपका बच्चा 7th क्लास में होता है, 1 और 2 जून को होता है। और एक बार पेपर होता है जब बच्चा 7th क्लास में होता है, 1 और 2 दिसंबर को होता है। और फिर उसको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है 8th क्लास में, जब बच्चा 1 और 2 जून को 8th क्लास में होता है। तो मतलब ले दे के आप ये लगा लीजिए कि बच्चे को जो मेन मौका मिलता है वो 7th क्लास में मिलता है और 8th क्लास में मिलता है, ठीक है जी। और 7th क्लास में इसका जो पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है, और इसमें जो बच्चा आपको चाहिए वो आप मान के चलिए 11 से 13.5 साल के बीच में बच्चा चाहिए RIMC देहरादून के लिए। RIMC देहरादून जो होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक ही कॉलेज है। ये एक ही कॉलेज है जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त स्कूल है, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें जो बच्चे आते हैं, जो उनका लेवल होता है वो RIMC में जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं उनका जो लेवल होता है वो IAS PCS लेवल का होता है। और इसमें आपको 100% गारंटी होती है, इसमें आपको 100% एश्योरेंस होता है कि जो आपका बच्चा होता है वो आर्मी में ऑफिसर बन के ही निकलेगा, ठीक है जी। और इसके जो फॉर्म्स वगैरह हैं उसको भरने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और इसकी कोचिंग के लिए जो हमारी ब्रांचेस हैं, अम्बाला में भी है, यमुनानगर में भी है, हमारा चंडीगढ़ में भी सेंटर है, जीरकपुर में VIP रोड पे भी हमारा सेंटर है। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज डिस्कस करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, RIMC देहरादून ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसमें बिल्कुल सेलेक्टेड सीट्स होती हैं, हर साल इसका पेपर होता है, मेरिट बेसिस पे बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं RMS और RIMC को लेके। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलग है और RIMC देहरादून अलग है। बार बार मेरे पास यूट्यूब से बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, मेरे लाखों जो करोड़ों व्यूवर्स हैं, मेरे पास बार बार मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। तो इसी के लिए मैंने दोबारा से एक नई वीडियो तैयार की है जिसमें मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।